हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो शॉपिंग के बाद हम लोग देखिए कहाँ आ गए हैं, नर्सरी में। तो यहाँ पर हर बार जब भी मेरे हस्बैंड छुट्टी आते हैं तो मैं आपको पक्का नर्सरी दिखाती हूँ। तो आज फिर से आ गए हैं। देखिए कितनी ठंडक है यहाँ पर, बहुत गर्मी हो रही है बाहर। और मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से अलग अलग तरीके की बहुत सारी वैरायटी के यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि हम लोगों ने क्या क्या ख़रीदा है। देखिए चारों तरफ बहुत सारे, और मेरा जो फेवरेट प्लांट है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इंडोर प्लांट में। ये देखिए मेरा फेवरेट प्लांट है ना। तो देखिए मेरे पीछे बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की बहुत सारी जो है लगा हुआ है। देखिए पूरी ग्रीन ग्रीन, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और चलिए मैं आप लोगों को घुमाती हूँ यहाँ पर। ये देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा प्लांट है। ये देखिए कितना ग्रीन है, देखिए बहुत हरे पत्ते हैं इसके। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको पूरी नर्सरी अच्छे से, है ना। तो आप लोग पसंद कर करके बताइएगा कि मुझे कौन सा प्लांट सबसे अच्छा आप लोगों को लगा। तो चलिए घूमते हैं, है ना। तो चलिए आपको मैं नर्सरी घुमाना स्टार्ट करती हूँ। बहुत बड़ी है ये, बहुत ज़्यादा जगह में फैली हुई है। जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रोज़ से, क्योंकि सबका प्यारा रोज़ ही सबको बहुत ज़्यादा प्यारा है। गुलाब सबको बहुत प्यारे लगते हैं। आज मैं एक्चुअली बहुत सारे गुलाब खरीद करके ले जाने वाली हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी वैरायटी है, मतलब हल्के पिंक कलर में भी इतने पिंक कलर हैं, इतने सारे, मतलब अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग शेडिंग के। किसी में पिंक शेडिंग ऊपर है, तो किसी में आधे फूल में है। मतलब इतने ज़्यादा यहाँ पर रोज़ हैं कि कैमरे में मैं कैद नहीं कर पाऊँगी इनको, बट जितना हो सकेगा बताऊँगी। और देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। वाइट पिंक, वाइट पे पिंक शेडिंग, पिंक पे वाइट शेडिंग, रानी कलर का, रानी कलर पे ऑरेंज शेडिंग, ऐसे कर करके हैं। ऑरेंज पे एकदम बादामी कलर की शेडिंग, ऐसे ऐसे कलर हैं। बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं यहाँ पर। और देखिए मतलब इतनी सारी जगह में इन्होंने लगा करके रखा हुआ है, बहुत सारी जगह में। तो मैं आप लोगों को पूरा घुमाऊंगी जितना हो सकेगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। और पूरे रोज़ फ्लावर दिखाने के बाद मैं आपको इनडोर प्लांट दिखाऊँगी। और देखिएगा कितने अच्छे यहाँ पर रानी कलर के हैं, और हल्के ऑरेंज कलर में हैं, येलो कलर पे है, येलो शेडिंग पे है, बादामी कलर पे है, रेड कलर पे है, और इसके बाद पिंक पे है, रॉयल पिंक पे है, ब्लू कलर का भी है यहाँ पर रोज़। और बहुत अच्छे अच्छे तरीके के यहाँ पर रोज़ हैं। और अगर आप लोग भोपाल के हैं तो ज़रूर जाइएगा इस नर्सरी में, घूमिएगा यहाँ पर जा कर के। ये इस्लाम नगर रोड पर है। तो ये देखिए यहाँ पर ये बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, जो मतलब बेचने के लिए ही लगाए हैं इन्होंने। कितने बड़े बड़े कर रखे हैं, देखिए आप, गमले में बहुत बड़े बड़े लगा रखे हैं। तो ये देखिए, और इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए स्नेक प्लांट में बहुत सारा, और ये कौन सा प्लांट है, ये देखिए वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसके बाद में देखिए मतलब इतने सारे प्लांट यहाँ पर हैं, अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे, मतलब देखने में ही इतना प्यारा लग रहा था यहाँ पर। और हम लोग इतनी दोपहर में घूम रहे थे, फिर भी वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए इधर भी रोज़ लगा करके इन्होंने रखा हुआ है, और बहुत सारे, मतलब देखिए ऐसे घूमते रहते हैं ये लोग, और बहुत अच्छे से इन्होंने केयर करके रखा हुआ है सारे पेड़ पौधों को। तो चलिए उस साइड वाले और घुमाती हूँ मैं आपको। तो चलते हैं, देखिए गीला हो रखा है यहाँ पर, क्योंकि ये लोग पानी वगैरह डालते हैं ना यहाँ पर, इसीलिए। और इस तरफ में देखिए सुपारी के पेड़ लगे हुए हैं, जो सुपारी हम लोगों ने लगा करके रखी हुई है ना, उसके पौधे, उसके पेड़ जो हैं इतने बड़े बड़े हो गए हैं देखिए इनके पास में। और इधर देखिए यहाँ पर भी इन्होंने इंडोर प्लांट लगा करके रखे हुए हैं, और आगे मैंगो का भी पेड़ लगा करके रखा हुआ है इन्होंने।
तो चलिए हम लोग तो इधर चलते हैं फ्लावर में, फ्लावर फ्लावर आज में खेलते हैं हम लोग फ्लावर फ्लावर दिखाती हूँ मैं आज आपको। तो ये देखिए यहाँ पर इनका काम चालू है, इसके बाद में इधर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर भी रोज़ है, यहाँ पर रेड और पिंक शेडिंग पे रोज़ है, मतलब रेड कलर के अलग अलग कलर की, जैसे मेहरूम कलर एकदम रेड, हल्का रेड और ब्लड कलर का रेड, ऐसे अलग अलग कलर के हैं। और ये वाला फ्लावर देखिए कितना प्यारा लग रहा है येलो कलर पे। और आगे चलते हैं हम, रोज़ बहुत हो गया है, इसके बाद मैं दिखाती हूँ एक पौधा और जो बहुत प्यारा लगता है। तो चलिए उसके पास में हम लोग चलते हैं। और यहाँ पर देखिए येलो फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए येलो कलर के। और ये देखिए क्या मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला प्लांट, ये देखिए ये कौन कौन जानता है इसको, इसको विद्या बोलते हैं, हम लोग विद्या बोलते थे। और ये येलो कलर का लग रहा है क्योंकि हमारे स्कूल में लगी हुई थी, तो हम लोग इसको तोड़ के बुक में रखते थे, बोलते थे कि विद्या आ जाएगी इसको पढ़ रखने से। तो वही है यहाँ पर देखिए, वो भी अलग अलग कलर में है। और ये देखिए कितना प्यारा है ये तो आउटडोर है, बट इतनी प्यारी इसकी बटरफ्लाई जैसी पत्तियाँ थी इस वाले पौधे की, बहुत ही प्यारी। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसी ऐसे कलर की, मतलब आजकल फ्लावर से ज़्यादा ये कलरिंग वाली पत्तियाँ या लीफ पे ज़्यादा वो है, मैंने देखा है कि मतलब पत्तियों का आकार, उनका कलर, उससे पौधा बहुत सुंदर लगता है। और देखिए यहाँ पर और वैरायटीज़ भी लगी हुई हैं, ये बोगनवेलिया तो कहीं भी लग जाता है, बहुत ज़्यादा इन्होंने लगा करके रखा हुआ है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बहुत प्यारा फूल, बेल है ये, मधुमालती। और ये देखिए इसका कितना प्यारा फूल है, मतलब कुदरत ने कितना सोच समझ के हर चीज़ को बनाया हुआ है। तो ये मधुमालती की बेल लगी हुई है और इसमें देखिए ऐसे गुच्छे में फ्लावर निकलते हैं। और इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, इसकी दूसरी, यहाँ पर देखिए पिंक कलर के ये भी कोई, इसका नाम मुझे पता नहीं है, बट बहुत अच्छी लग रही थी ये भी देखने में। और इसके बाद देखिए पूरा गुलाब से भरा हुआ है, मतलब मैं ये कहूँगी कि एकड़ों में लगा हुआ है इनके पास। तो कितना मैं आपको दिखाऊँगी, मतलब जितना घुमाऊँगी उतना भी कम है इसमें। बट आप जब भी आएँ तो यहाँ पर भोपाल में ज़रूर नर्सरी घूमें, क्योंकि भोपाल की नर्सरियाँ बहुत अच्छी हैं। तो ये देखिए बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए। गमला और पॉट में मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ।
और यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के सीमेंट के गमले हैं। और एक्चुअली हम लोगों ने प्लास्टिक के गमले खरीदे हुए हैं, क्योंकि सीमेंट के गमले जो हैं अभी हम लोगों को घर भी शिफ्ट करना है, तो उस चक्कर में सीमेंट के गमले हम लोगों ने नहीं खरीदे हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह उठाने में ख़राब हो जाते हैं। अभी हम लोग एक ही गमला खरीदेंगे। गमले हमारे पास बहुत सारे हैं जेड प्लांट के लिए, और बाकी प्लास्टिक के गमले हम लोग खरीदे। तो जेड प्लांट के लिए हमें गमला लेना है। तो ये देखिए बहुत सारी डिज़ाइन यहाँ पर रखी हुई है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर भैया कि ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये इतने इंची है, ये इतने इंची है, मतलब इंच के हिसाब से ही मिलते हैं। तो ये सीमेंट पे बने हुए हैं और इसकी बहुत सारी डिज़ाइन है, मतलब ऐसे लहरिया में सीधी अजीब अजीब सी, बहुत अच्छी अच्छी, मगर जब इन पर कलर हो जाएगा ना इतने प्यारे लगते हैं ये। और ये देखिए जेड प्लांट के लिए ये वाला गमला पसंद कर रहे हैं, तो यही वाला हम लोग लेंगे जो उठा करके इन्होंने रखा हुआ है। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये स्ट्रॉबेरी का जो है फ्लावर मेरे को दिखा रहे थे कि ये देखो स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, ऐसे लगती है, ऐसा इसका पौधा होता है। तो स्ट्रॉबेरी का पौधा मैंने आज तक नहीं देखा था, क्योंकि हमारे इधर नहीं होता है। और ये देखिए शेडिंग में इतने सारे, मतलब इनडोर प्लांट हैं, आउटडोर प्लांट हैं, शेडिंग में इतना ज़्यादा पौधा है, बहुत ज़्यादा। और ये जो दिख रहा है ना ये ग्रीनरी पे, ये जेड प्लांट हम लोग ले करके चलेंगे। ये बहुत ही शुभ होता है घर में रखने के लिए, और ये कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा था रियली में देखने में। ये शिमला मिर्च है यहाँ पर, और ये इधर अलग अलग तरीके के पौधे लगे हुए हैं। इसके बाद मैं एक पौधा और आपको दिखाती हूँ, इतना प्यारा लग रहा है, देखिए इतने कलर के, एक ही में इतने सारे कलर के फ्लावर निकलते हैं ना कि मतलब देखते ही रहो। कैमरा भी इसको अच्छे से नहीं दिखा पा रहा है, रियली में देखने में मन खुश हो गया रियली में। और ये देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट ये लगा रहे हैं, ये इनडोर वाले प्लांट हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इंडोर प्लांट, आउटडोर मैंने आप लोगों को बहुत दिखा दिया, अब दिखाती हूँ इंडोर प्लांट। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना करती हुई जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखिए बहुत सारे लगे हुए हैं, क्रोटॉन्स पे लगा हुआ है, वो देखिए उसकी वैरायटी लगी हुई है। और यहाँ पर भी ये इंडोर वाले प्लांट लगे हुए हैं सभी, मतलब आजकल जो है ना पत्तियों के ऊपर सब कुछ आ रहा है। और ये वाला प्लांट ग्रीन वाला भी ये हम लोगों ने ले लिया है, एक ये वाला लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें सर्दियों के मौसम में रेड कलर की पत्तियाँ निकलती हैं ग्रीन के साथ साथ, बहुत प्यारा लगता है। और ये देखिए वहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, वहाँ पर अच्छे से नहीं दिखा, यहाँ पर देखिए छाए में अच्छे से दिख रहा है, बुद्धि का पेड़, विद्या का पेड़ आप लोग क्या बोलते थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए क्रोटॉन्स, ये मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये मेरा फेवरेट प्लांट है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये वाला तो हम लोग बड़ा साइज़ का लेंगे जो इनके पास नहीं है, और कॉर्नर में रखने के लिए कहीं भी। और ये देखिए ये वाली, इसी तरीके से बहुत सारी वैरायटी है, आप लोग देखिएगा, इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। ये देखिए येलो और ग्रीन कलर की पत्तियाँ थी, इतनी प्यारी लग रही थी ना, बहुत ही अच्छी। ये वाला प्लांट भी बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोगों को कौन सा प्लांट अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए ये इनडोर में सारे हैं, और इतनी ज़्यादा ठंडक थी ना यहाँ पर, इन्होंने मेरे को पूरी नर्सरी घुमाया। और ये देखिए इस तरीके से पूरी भरी हुई है, और इतनी ठंडक है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए और लाइक कमेंट शेयर करते जाइएगा। देखिए ऐसी कलर की रेड कलर की पत्तियाँ उसमें निकलेंगी। तो ये देखिए मनी प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है, मनी प्लांट भी बहुत प्यारा लग रहा है। और ये देखिए ये बहुत सारी पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, ये वाला एक हम लोग खरीद करके ले जाएंगे, ये मेरे को बहुत प्यारा लगा। और घर जा करके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोग खरीद करके ले करके आए हैं। यहाँ पर एंड नहीं है, मतलब ये नर्सरी का, यहाँ पर और उस साइड में बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। बट मैं अपनी वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड, क्योंकि ये बहुत लंबी हो गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। और ये देखिए कितने अच्छे से लगा हुआ है ये वाला पौधा। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते जरूर जाइएगा। बाय बाय।